आपको स्वागत करछु मचिरमय मु कमलाकांत तबे कमलाकांत सतेज सकाळ रे आमे प्रत्येक दिन जेमती सिरनामा पालटथिबा किछि खबर कुने आलोचना करू आज मध्ये सेमती किछि खबर रहिछि तबे खबर गुडीका ऊपर प्रथम नजर पकाइबा कोन से खबर गुडीका प्रथम खबर हिसाब रे आमे नउछे जे प्याज दरदाम वृद्धि एवं या सहित रहिछि पनीपरिबा 50 उपरे ये रहिछि गुरुत्वपूर्ण खबर गोटे एवं ता सहित रहिछि बढुछि संक्रमण सुस्थंकु टपुछि आक्रमण तबे केउ कोउ खबर कागज केउ ढंगरे हाकु नेछन्ति ता मध्ये आमे कहिबु एवं या सहित रहिछि जे पूजा मंडप रे सुरक्षा व्यवस्था करा पूजा पूर्व काम शेष कर दुर्गा पूजा प्रस्तुति बैठक होती आम गांव को रास्ता ना तो वोट ना पंचायत निर्वाचन पूर्व उठला स्वर निर्माण अपेक्षा 13,573 ग्रामांचल रास्ता प्रकल्प जरूरी कालीन आपद विपद मिलूनी आश्वस्ति ये एक गुरुत्वपूर्ण खबर रही है या सहित रिमांड बढ़िलानी जेल गले आर्यन गिरफ हे आँच ओडिया तेरे या सहित रही पोता जाता अमोनिया सार कहार उत्तर पाउनी जेनापुर पुलिस ये गोटे गुरुत्वपूर्ण खबर रही या सहित रही जे यूनेस्को रिपोर्ट जड़े शिक्षक एक लक्ष रूर्ध स्कूल चली जहाँ आम गत काली खबर प्रसारण करूँ ये एक गुरुत्वपूर्ण खबर रही या सहित रही 15 लक्ष पिलांर ना डिजिटल डिवाइस तबे ये एक गुरुत्वपूर्ण खबर या सहित रही श्रेणी गृह अधा विपद संकु छात्र छात्री या सहित रही जड़े शिक्षक यूनेस्को रिपोर्ट जहाँ रही से खबर टी नजर पकाइबा और 15 लक्ष पिलाखे मोबाइल ना कथा कहु सब खबर को नहीं आम आलोचना करूँ आम सहित आम प्रतिनिधि मैंने जोड़े जे वास्तविक ये सब खबर आज एथपाई शिरोनामा पलटि जे कौन ये समस्या रही कौन असुविधा रही से बाबद आलोचना करवा कि कमलाकांत बर्तमान नजर पकड़ प्रथम खबर निन्मय जो खबर पर समस्त नजर खास करी मध्यवित्त एवं जो निम्न मध्यवित्त रही रोसे घर निहाती भाव में चड़क पड़ी कारण खास करके देखिए प्याजर रेट 50 नहीं दिनक प्राय डबल रेट होपरी पनीपरिया सब 50 उपर रही जहाँ को लेकिन वर्तमान समस्ते चिंतार एवं राज्य सरकार को जो व्यवस्था रही कि दर को नियंत्रण करेंगे तापर मध्य प्रश्न उठू गत काली एने रिपोर्ट आम प्रकाश करूँ तेज सीधा सड़क जावा भुवनेश्वर आप आम प्रतिनिधि स्वप्नांजलि रही स्वप्ना गोटे दिन में डबल हो गला नियंत्रण कथा परर कथा वर्तमान राज्य सरकार जो शीतल भंडार कथा कहते जो जोगाण व्यवस्था कथा को लेकिन बड़ प्रश्न सृष्टि हो निहत भाव कमलाकांत जो भाई भाव में गोटे दिन में लगातार भाव में डबल हो सब पर दर कथा कह पिज दर कथा कह पिज दर वृद्धि पूर्व अनेक थर आम देखते कि बर्तमान काली गत काली जहाँ रिपोर्ट अच्छी पिज दर बर्तमान 50 छुई 50 रु ऊर्ध अनेक जगार पिज जो व्यवसायी रही बर्तमान पिज ताक 60 बिक्री करेक जगार कहीं से प्रतिक्रिया जहाँ नौले व्यवसायी मानक जो भाव में पिज जो आमदानी रही कमी कहीं गोटे मात्र कारण हो जहाँ से कहते जो जो महाराष्ट्र जो बेंगालुरु एभली जो राज्य मानक पिज आसूला तार आमदानी कमी कहीं वर्षा अधिक होबार क्षतिग्रस्त हो पिज जो अमल होबार सी गोटे कारण हो पारे और द्वितीय कथा हूँ राज्य सरकार जो शीतल भंडार कथा कहते शीतल भंडार अधिकर अधिक संख्यार पर कथा कहतु पिज कथा कहतु आलु कथा जहाँ आम साधारण जीवन जापन प्रतिदिन आम खाद्य लगे था खाद्य व्यवहार करता कौटिना कौटी प्रश्नवाची उठी कहीं यदि शीतल भंडार ते मात्रा रे आम पाखरे पर्याप्त परिमाण रे जिनिस बा सामग्री अच्छी परिबा अच्छी ताहले काहे कि बाहर राज्य रु आमे मगौचे ये गोटे बड़ प्रश्न उठिछ द्वितीय कथा चाहिबि जद देखिबा कृषि मंत्री और जोगाण मंत्री भितरे कथा मेळ खाउ नथिला जदि गोटे पटे कहउछन्ति जथेष्ट प्याज रहिछि ताहले लोक पचाउछन्ति जे ताहले दर काहे कि बढुछि निहत भाव में जो कृषि मंत्री कहते जथेष परिमाण में शीताल शीतल भंडार जिनस अच्छी ताल कहीं दर वृद्धि पाँच ये गोटे बड़ प्रश्न कहीं व्यवसायी मैंने कहते जो मैंने रेगुलार हाट में बसुंच से कहवा कथा जे आमदानी से संख्यार नाई जदि आमदानी सेड़शा को हो पारंता जदि शीतल भंडार से पर्याप्त परिमाण में पर पिज अच्छी ताल बाहर आमको आमदानी कहीं मात्रा करवाई पड़ू जो पिज दर दुई दिन ते प्रति क्विंटाल पिछा 2500 टकर बिक्री कर बर्तमान खुचुरा दोकानी जो मैंने 30 रु 40 टंका पर्यंत बिक्री करते कमलाकांत कितु बर्तमान जहाँ स्थित जहाँ नजर सामना को आसूँ बर्तमान 50 रु
60 पर्यंत बिक्री कराउछि एवं ये कोटना कोठी तालमेल खाउनै दुई जण जो माने रेगुलर व्यवसाय करछन्ती आ जो जोगार मंत्री रहछन्ती तांकर कथावार्ता जहाँ से माने टिप्पणी देछन्ती तांकर तालमेल होनांदी तालमेल रहउनै एवं व्यवसायकर जहाँ कहबा कथा जे परिवार दर हठात वृद्धि होउछि काहेकिना जो भडा लागछि बाबरे वर्तमान सबटो गुरुत्वपूर्ण कथा होछि स्वप्ना जे समस्त खास करि जेतले परिवार दर दाम रे वर्तमान लिया लागिछि ये मध्यवित्त परिवार उपरे निश्चित भाव रे प्रभाव पकाउछि एवं सबु खाउटिंग को मनर मध्ये प्रश्न जे काहेकि एने कोनोसी सरकार को पक्ष पदक्षेप ग्रहण करा जाउ नै जदि पर्याप्त परिमाण रे आप पाखे परिवार मौजूद थांता शीतल भंडार थांता हेत आज एभली स्थिति देखा मिल न था। प्याज कथा जी कह प्याज जेहेतु आम बाहर रप्तानी करुचे ताहले वर्तमान प्याजर मूल्य मध्ये बढ़ी बढ़ी चली आशा करुचु ए दिगरे मध्ये सरकार तुरंत नजर पकांतु एवं केमती सबू दरदाम कमी पार एवं खाउटी को सुहला भाई दरदाम हो पार से नहीं पदक्षेप नि बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्ना आपंकर तमाम सूचना तेज कमलाकांत परवर्ती खबर उपर नजर पकाइबा जे गुरुत्वपूर्ण खबर आम कहते जमी गत काली खबर को प्रसारण करते यूनेस्को रिपोर्ट यूनेस्को रिपोर्ट में जो गुरुत्वपूर्ण तथ्य सामना को आसुच्च जड़े शिक्षक एक लक्ष रु ऊर्ध स्कूल वर्तमान चली 11 लक्ष रु अधिक पदवी शिक्षक पदवी खाली पड़ी जहाँ को नहीं वर्तमान चिंता जे पिला भविष्य कौन हम कारण खबर जहाँ प्रकाश पाई देश में सरकारी स्कूल रे शिक्षा व्यवस्था विपर्यस्त होबार लगी देश में मलमल हो बेसरकारी स्कूल गुड़िक मुंड टेकुची सरकारी स्कूल प्रति अभिभावक माने मुह मोड़ सरकारी स्कूल पाठपढ़ मुख्य समस्या पलटि शिक्षक अभाव देश में सरकारी स्कूल चित्र केमी रही यार एक झलक यूनेस्को रिपोर्ट रू ही जमापड़ी तेज अनेक समय कमलाकांत आम एने की खबर प्रकाश करूँ जे केउठी शिक्षक नाहंती केउठी ठीक से पाठ पढ़ा हो नहीं केउठी वास्तविक भाव में शिक्षार भित्तिभूमि जोभि भाव में सुदृढ़ होगा कथा सी मध्य हुए ना जो अनेक पिला मध्यो प्राइवेट स्कूल को जाउछन्ती बा अभिभावक माने प्राइवेट स्कूल को पठाइबा पसंद करुछन्ती किंतु गवर्नमेंट स्कूल को सेते पिला पठाउ नाहंती किंतु कथा होउछि जो माने पढ़ुछन्ती सेमानको पाई मध्यो वर्तमान सुधा सठिक बा उपयुक्त परिमाण रो नाहंती शिक्षक नाहंती तबे बाबद रे आलोचना करबा सौम्य रंजन धला हम प्रतिनिधि हम सहित जोड़ी होती सौम्य जेहेतु आप ग्राउंड रे रहउछंती ग्राउंड रो स्थिति आम अनेक समय रे देखै थाउ हमर टीवी स्क्रीन रे ते वर्तमान रो स्थिति केमती देखुछंती यूनेस्को रिपोर्ट एवं वास्तविक या को केमती आपण देखिबे निहाती भाव में देखो जिते राज्य सरकार वर्तमान समय रे वर्तमान कोविड स्थिति है पाखापाखि देढ़ वर्ष ऊर्ध होगा सरकार ऑनलाइन रे किपर भाव में पाने पाठ पढ़े से नहीं विभिन्न प्रकार टेलीविजन कथा कहतु रेडियो कथ कहतु और मोबाइल ऑनलाइन मध्यम किपर पाठ पढ़ा से दिगरे नहीं सरकार दृष्टि देखते कि संपूर्ण भाव जो कथ कह वर्तमान राज्य में ऑनलाइन पाठ पढ़ा एक प्रहसन पलटि पाखापाखि 15 लक्ष पिला वर्तमान मोबाइल नेट पहुँची पारे और अनेक मुख्य समस्या हूँ नेटवर्क समस्या जहाद्वारा शिक्षक पिला माने पाठ पढ़ापी अनेक प्रकार समस्या सम्मुखीन होती एपरिक पिला माने पाठ पढ़ापी नेटवर्क खोजापी से जीवाक पड़े पाखापाखि 5 रु 7 किलोमीटर एक पहाड़िया घंच जंगल को जाकिटवर्क खोजते सेठार अनलाइन शिक्षादान करते आपड़ जो कथा कहले वर्तमान राज्य में शिक्षक अभाव देखा मिली एपरी आप जानते सरकार मलमल स्कूल खोली दी सत हेले स्कूल किपर भाव पाठ पढ़ाब किपर भाव शिक्षा दानारे उन्नति घटव से नहीं कौन से कौन से प्रकार राज्य सरकार रिपोर्ट कहे शिक्षक अभाव तो गोटे बड़ कथ शिक्षक योग्यता न था कंट्राक्चुअल चाकरी मिल जाऊपटे कि स्कूल आलुओ बर्तमान भी पहुँचे इंटरनेट तो बहुत दूर कथा तो यू व्यवस्था ही पूरा राज्य सरकार को जो विश्वस्तरीय शिक्षा व्यवस्था कथा कहते शिक्षा हब पलट प्रचार कर पूरापूरी पोल खोलू निहाती भारत कौन कथा आप जो कथ कहे देखो जो तो वर्तमान शिक्षा दानी अनेक गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही शिक्षक जो स्कूल शिक्षक ना से किपर भाव में शिक्षा दान हम यार हूँ बड़ मान समस्या वर्तमान अनेक ग्रामांचल कथा कह ग्रामांचल अनेक शिक्षक अभाव देखा जाए जहाद्वारा बर्तमान छात्र छात्री मैंने पाठ पढ़े कि सब बड़ प्रश्नवाची सृष्टि सरकार वर्तमान 5G माध्यम रे स्कूल गुड़ को अधीनत करी किपर भाबे उन्नत मूलक शिक्षा दबो को कम ध्यान दे जदि वास्तवता को जनसाधारण को राज्य सरकार तबे एभली असुविधा बोधे सामना को आसंता नै बहुत बहुत धन्यवाद एथिले सौम्य आम प्रतिनिधि अधिक आलोचना करथले तबे चिन्ह आ गोटे गुरुत्वपूर्ण खबर आम गां को रास्ता नै तो वोट नै ए खबर टी केन्द्रापड़ा रु आसुछि जेउठी
फोटो सहित एक खबर प्रकाश करा जाइछि जे निर्माण अपेक्षा रे किभली भाबरे 13,573 ग्रामांचल रास्ता प्रकल्प रहिछि सेपरि जरूरीकालीन आपद विपद रे मध्य आश्वस्ति मिलनी गोटे फोटो सहकारे एक खबर को प्रकाश करा जाइछि। जदि देखिबा राज्य निर्वाचन कमिशन को निर्वाचन प्रक्रिया को आकलन कले आसंतार फेब्रुआरी राज्य रे त्रिस्तरीय पंचायत हेबो ता तबे ग्राउंड रे किभली स्थिति रहिछि ए होछि तार गोटिए एक उदाहरण। तबे अधिक आलोचना पई केन्द्रापडा जिबा प्रभात लेखा रहिछन्ति हम प्रतिनिधि प्रभात, ए फोटो तो मात्र गोटे उदाहरण जितेबले पंचायत इलेक्शन आसो पुणी प्रतिश्रुति पहाड़ ठिया कर देवे राज्य सरकार, किंतु ए जो फोटो चित्र सहित ए जो स्टोरी टी बाहर एटा तार गोटे मात्र उदाहरण, एमती अनेक उदाहरण राज्य सारा रही। देखंतु कमलाकांत, ये गोटे उदाहरण नुहे, अनेक उदाहरण रही। जदि कहिबा केन्द्रापड़ा जिलार महाकलपड़ार जो चित्र आपण देखुछन्ती ये रही छपाली, छपाली गाँ, छपाली गाँ भितर को जो प्रवेश करिया पय जो रही बंगीय भाषाभाषी भाई मान रहंती से जो रास्ता रही रास्तार समस्या रही से जो चित्रटी आपण देखुछन्ती। अन्य पक्ष कहिबा जदि कहिबा राजनगर अंचल तालचुआ कथा कहिबा किंबा जम्बुद्वीप कथा कहिबा किंबा अन्य पक्ष आम जो किछि दिन तळे मध्ये देखैथिलु राधानगर गाँ जो गाँ को बर्तमान विकास जाई परनि, एमती अनेक गाँ रही, अनेक पड़ा रही, अनेक साही रही जोटी रास्तार समस्या रही। कारण एटी प्रतिश्रुति मिलुची प्रतिश्रुति परे प्रतिश्रुति, किंतु जदि कहिबा एमएल निर्वाचन परे वर्तमान पंचायत निर्वाचन आसी तबे पंचायत निर्वाचन को नहीं जितेबाला नेता माने जाउचंती किंबा पंचायत स्तरीय जो लीडर्स माने जाउचंती लोक खाली भुआ बोलाउचंती स्वप्न देखाउचंती रंगीन स्वप्न। जदि कहिबा ये जो स्थिति को नहीं केन्द्रापड़ा जिलार साधारण जनता गोटे प्रकार विमुख हो पड़े, कारण ये पंचायत निर्वाचन जो आसो फेब्रुआरी मसने तेज आम देवु ना निर्वाचन देवु ना भोट देवु ना सीधा साल चेतावनी दौरान तेज कह जिलापा तत्पर होना, कारण ये जो वर्षा लघुचाप जनित वर्षा पा एवं अनेक गाँव सुखनी रास्ता पूरा कदर्ज हो रही जहाँफल कि साधारण जनता नाकेदम हो पड़े कमलाकांत। ये जो स्थिति गोटे सब समय स्थिति रही केन्द्रापड़ा जिलार जो रही ब्लक महकुमा रही जो ग्रामांचल चित्र रही सब समय आम देखे आसुचु कि रास्तार विकास हो पार नहीं कमलाकांत। निहाती आम आशा करिबा जो जो विधायक मान रही सांसद रही से एसबू कथा देखुथिबे एवं केवल निर्वाचन नुहे सबु समय कि भली भावरे लोक माने ठीक भावरे जातायत करिपरे कम से कम से ध्यान देबार आवश्यकता रही। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात लंका रही थे केन्द्रापड़ा अधिक आलोचना करते तेज चिन्मय आगु खबर जारी रहा तेज सत सका गोटे समय होती गोटे छोट ब्रेक। ब्रेक परे पुणि थरे सतेज सकाळ को स्वागत। आम आलोचना करूछु जे खबर कागज रो शिरोनामा पलटिथिबा आज रो किछि खबर को नै कमलाकांत मो सहित अछन्ति। कमलाकांत, आउ एक गुरुत्वपूर्ण खबर होछि गतकाली मध्ये खबर आमे प्रसारण करथिले जे पोता जाइथिबा अमोनिया सार कहारो उत्तर पाउनी जेनापुर पुलिस। घटनाटी घटिछि जाजपुर जिला रे, जे जाजपुर जिला जेनापुर थाना अधीन लुणीबेर मौजरे थिबा कळापथर खणि थारु अल्प किछि दूर रे जेनापुर पुलिस विपुल परिमाण रो अमोनिया सार बस्ता को माटी तळु बाहर करिछि एवं जदियो पुलिस वर्तमान सुधा स्पष्ट करि नाही जे केते माटी तळु बस्ता ए अमोनिया सार बस्ता बाहर छि, किंतु अनुमान करा जाउछि पाखा पाखी 200 बस्ता हेबो बोली मध्ये कहा जाउछि। आउ कथा आसुछि ये विस्फोटक किए एवं काहि के रखितिला ये होछि सबुट बड़ प्रश्न। कारण कमलाकांत, आमे जानिछे जे जाजपुर रे अनेक समय रे ये जो डंकारी पहाड़ कथा कहंतु एवं मामू भणजा घाई कथा कहंतु एठि सबु डायनामाइट लगाई केमती विस्फोटक बा विस्फोटन करा जाइथिला से चित्र मध्ये सारा राज्यवासी जानिछन्ति। कथा आउछि जे जो माने विस्फोटक रखिछन्ति सेमाने किए ओ कोन सेमानकर उद्देश्य रहितिला, कारण स्थानीय लोके बारंबार अभियोग करुछन्ति जे माने खणी गुड़ी करे विस्फोटक लगाई जेतेबेले ब्लास्टिंग करुछन्ति एवं ये सबु खणी खादान को लूट करुछन्ति। ए बाबद रे किंतु ना कोनोसि प्रशासनिक जो रूल रेगुलेशन रही ये काम करुछि ना सेठी पुलिस मध्ये तार पुलिस रो मध्ये किछि काम देउछि। कथा आसुछि जे लोक माने जो खणी माफिया माने रहिछन्ति सेमानकर प्रादुर्भाव दिनकु दिन बढ़ी चलीछि। गोटे पटे प्रशासन चुप, सरकार मध्य चुप, जनप्रतिनिधि माने मध्य सेमानक सहित सालिस थिबा मध्य अंचलवासी अभियोग आणुछन्ति। ते बाबद्र आलोचना करिबा आम सहित आम प्रतिनिधि आनंद महाराणा जोड़ी होछन्ति। आनंद, वास्तविक भाव में वर्तमान सुधा पुलिस एने किछि अधिक प्रतिक्रिया रखुछि कि ये विस्फोटक किए रखिथिला, केते बस्ता विस्फोटक जबत होइछि एवं कोन पाइ बा के उद्देश्य रे रखा जाइथिला। देखंतु एठी गोटे प्रश्न उठुछि जेते जेते बेले धर्मशाला अंचल रे जेते बेले
अधिक मात्रार विस्फोरण सामग्री जबत हो लगातार पांच सात दिन धरी आरंभ आज पर्यंत भी चली विस्फोरण सामग्री केउटी ना केउटी स्थान रु सब जगार भी प्राय अधिकांश जगार जबत कर देखते दुई दिन तले जितेबले लुणीमर पहाड़ निकट में जितेबले गोटे खादान निकट में जो विस्फोरण सामग्री अधिक मात्रा रे 200 रु अधिक बस्ता जितेबले रासायनिक सार जितेबले जेनापुर पुलिस जितेबले जबत कला सेतेबले जेनापुर पुलिस गोटे संदेह घर भीतर रही कारण देखो फांडी जो अच्छी चढ़ईधरा फांडी अच्छी से फांडी मात्र 500 मीटर पछपटे यही जो रासायनिक सार गुड़िका सब पोता होकर रही है कि वर्तमान पर्यंत जेनापुर पुलिस एपर्त से सार कहार किए आठ रखी कहीं रखी ए सार जो सार रखी चार तारीख दिन फांडी जो मात्र किसी दूर तो यह पक्ष देखुना कि जब देखा स्थानीय विधायकों कथा कहतु बा बड़ नेता बा बड़ प्रशासनिक अधिकारी बिना सहयोग में एभली काम करवा असंभव आर्वर मध्य जितेबाला खास करके मामू भणजा घाई कथा कहतु ता सहित यार किसी लिंक रोचे कि कारण से विस्फोरक व्यवहार कराई किद पूर्व विस्फोरक जबत हो तो सहित किसी लिंक देखुं कि आप देखते कमलकांत ये गोटे कथा उठू जे जेतेबले मामू भणजा घाई जेतेबले सृष्टि होता से भी अभियोग आसीला जे डायनामाइट लगा जाए बंध को ध्वंस कर से जो डायनामाइट से समय भी सुशांत साहू जे कि हूँ मुकुंदपुर अंचल थे विस्फोरण सामग्री जी बिक्री करती चोरार बिक्री करती भी सही समय पुलिस आरेस्ट करोर्ट फरवर्ड करतापर पर आसाला सतमाण सतमाण जो अच्छी गोटे गाँव अच्छी पुणा बोलमाल पंचायत जो अच्छी से पंचायत रोटे हूँ रघुनाथ साहू तक गोदाम घर को चार तारीख दिन जो स्थानीय प्रशासन आउ जिला पुलिस जो से गोदाम घर को सीज कले ठीक तार दुई दिन पर लुणीबर पहाड़ खादान निकट में मिलला हूँ 200 रु अधिक अवस्था रासायनिक सार जे कि हूँ अमोनियम नाइट्रेट सार जो गुडाकिंग समय विडम्बनार विषय बारंबार जो जिलूर एभली विस्फोरक गुड़िक जबत होना से प्रशासनिक कटकणा काम करुच्छी ना पुलिस अधिकारी कौन प्रकार सेठारे से तदंत शिथिलता तदंत कौन प्रकार जी देखा से आक्टिव अच्छी जहाँ को वर्तमान प्रश्न उठू जे ये क्या स्वार्थ सब करे करे क्यों लोकंर प्रभावशाली लोकंर अनुकंपा रही जो एभली घटना जाजपुर में बारंबार देखा मिलूँ बहुत बहुत धन्यवाद आनंद आपणकर तमाम सूचनापी तेज कमलाकांत आनंद आम सहित जोड़ी होते आम आलोचना करूँ जाजपुर में कमी बारंबार एभली चित्र सामना को आसूँ कितु ना से प्रशासनिक कटका कम करदी कौन प्रशासनिक अधिकारी कथा नहीं कि हस्तक्षेप करती हस्तक्षेप करती आप जानते अनेक समय से आक्रमण हुए ताने कह पूरा राज्य में माफिया राज चली जो कि विधायक मंत्री एम प्रभाव थी तेज कमलाकांत परवर्त खबर नजर पकड़ा परवर्त खबर करोना को लेकिन रही जितेबाला संक्रमण सुस्थ जो हार रही बढ़ी से जदि देखा बौद्ध जिला करोना मुक्त हो खोर्धार स्थिति वर्तमान भी भल ना और दिनक दिन 200 ऊपर ही आक्रांत संख्या रही सेपटे विलंब होते भी द्वितीय डोज ने सरकार अनुरोध करते कारण जहाँ रिपोर्ट आसूला निश्चित भाव में कमलाकांत ये खबर को जी पूर्व आम आउ एक गुरुत्वपूर्ण खबर रही नजर पकड़ा जो वर्तमान जानते हैं आप बॉलीवुड जगत में पूरा हईचई सृष्टि करें शाहरुख खान को पुआ आर्यन खान को ड्रग्स कारबार नहीं कारण वर्तमान जहाँ खबर प्रकाश पाई जे रिमांड बढ़िलानी जेल गले आर्यन गिरफ हे आउ पांच ओडिया से जो पार्टी कथा कहुच क्रूज पार्टी से पार्टी में कि ओडिया थी से दिन पुलिस सूचना देता एनसीपी एनसीपी रिच टीम ओडिशा आसुच्चे सुंदरगढ़ में पहुंचे राउरकेला सुंदरगढ़ में जो दुईज युवक रही से परिवार को अधिक पचराउरा आउ पांच ओडिया गिरफ होगा नहीं सूचना रही तेज आम सहित ए बाबद आलोचना गगन आम सहित जोड़ी होती आम प्रतिनिधि गगन जेहेतु आर्यन कथा रिमांड में निया किंतु से बेल पाई आवेदन करते खास कर आज कोर्ट में आज शुणा अच्छी ए बाबद कौन शुणा आसो आशा कर
देखो निश्चित भाव एनसीबी गतकाली जिते रिमांड नापी चाहिए रिमांड गतकाली खारज होता बर्तमान पाखापाखी देखिए चौदह दिनिया गोटे विचार विभाग हाजत को पठा जाइए अर्थात से बर्तमान जेल जी ये बर्तमान फाइनाल सारी चौदह दिनिया विचार विभाग को जिते जाऊँ हाजत को जी निश्चित भाव अधिक आहरी पचरा उचरा कर आहरी जेरा करधिक तथ्य बाहर करने चेष्टा केवल सी एका नुहति सहित जो आठ जन गिरफ होते समस्त गत काली रिमांड खारज होता और सीधा साल चौदह दिनिया हेफाजत को से अंपटे देखिए आउ पांच जन ओडिया को गत काली जेरा कर आज हूं तो कंटिन्यू करे कहीं बर्तमान पर्यंत एनसीबी अटक रखी डिटेन कर पचरा उचरा जारी रखी दुई जन जो पूर्वर जो गिरफ होते दुई जन ओडिया जो कि दीननाथ रही मनीष रही तथ्य आधार में आउ ये पांच जन को डिटेन कराई हुए तो ये तालिका आहुरी चिन्मयी लंबा हो पारे तालिका आहुरी बढ़ी पारे कहीं बर्तमान पर्यटन देखिए षोल जन गिरफ होती जदि ये पुणी पांच जन गिरफ होती तेणु से संख्या एक पहुंच पारे और सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा ओडिशार लिंक ओडिशार जेहेतु दुई जन पिला आरेस्ट हो सारी पुणी जदि पांच जन को डिटेन कर रखा परवर्त पर्यायर पुणी जी आरेस्ट करा से कौ जिलू बिलंगस करें एनसीबी टीम राउरकेला आ तो निश्चित भाव से फैमिली बैकग्राउंड जाना चाहिए पर आउ कई ए संपुक्ति अच्छा कि नाई जदि सीए या गंजे हूँ चरस हूँ निकोटिन हूँ आपको जिते नवा आरंभ कले क्यों बयस रु नवा आरंभ कर नवारे गोटे एटा गोटे पेशा ना एटा गोटे निशारे परिणत हो गला तेणु ये सब कथ को जाना बर्तमान एनसीबी निज पाकर बैकग्राउंड जाना सीधा साल निजर जो जो रही होम रही घर को आसपाई चेस्टा करेंगे निश्चित भाव बर्तमान देखिए यंग मासेस खास कर यंग मासेस जो भाई भाव ड्रग्स अफेक्टेड होती तेणु सीधा साल बर्तमान एनसीपी छापा मारी आहरी अधिक त्वरावित कर देखिए गोटे सप्ताह भितर शहे रु अधिक जगार आम देखी उत्तराखंड कथ कहु गोवा कथ कहु मुंबई कथ कहु कोलकाता कथ कहु ओडिशार गंजे चोराचालाण अनेक समय आम देखु जबत होने अनेक सहर अनेक जगार बर्तमान चढ़ हूँ खाली चढ़ई चढ़ौरे सीमित रही हम ना चिन्मयी या आहरी अधिक त्वरावित कर आवश्यकता रही केवल पिलाने ही गिरफ होती जो मैंने चोराचाल सामिल होती गिरफ पाखे बर्तमान सुधा पहुंची पारुनी पुलिस जहाँ बारंबार एक सामना को आसुची जे जो माने मोहरा बनुछंती खास करी युवपीढ़ी माने एथिपाई दंडित होउछंती किंतु जो माने आरो मूल से पर्यंत मध्य पहुंचबा दरकार एवं केमती ए सब जिनसर पिला माने निवृत्त रहिबे से दिगरे मध्य पदक्षेप नबार आवश्यकता रहिछे। बहुत बहुत धन्यवाद गगन आम सहित जोड़ी होते आम प्रतिनिधि जे दिल्ली आमको ए बाबद अधिक सूचना दूसरे कमलाकांत परवर्त खबर किसम पूर्व जमी करोना कथ कहते जब सीएमसी नुआ गाइडलाइन करवाहर दुईश लोक पूर्व बीएमसी नुआ गाइडलाइन जारी कर 50 जन सर्वाधिक अनुमति मिलता से हीपरी जदि देखा संक्रमण बढ़ुच्ची और सुस्थ को टपुची आक्रांत संख्या एक निहाती भाव में पुणि थे चिंता बढ़ाई से हीपरी जदि वैक्सीन कथा देखा विलंब होते भी द्वितीय डोज नवा सरकार अनुरोध कर खबर प्रकाश पाई सेपटे जेहेतु चिन्मय पूजा मंडप सुरक्षा व्यवस्था कर एक कमलाकांत जेहेतु गुरुत्वपूर्ण होची जेतु पार्वण समय चली भितर सरकार पार्वण किसी कटकणा को टे अधिक कटक जारी करी कारण जो नाइट कर्फ्यू थी से राति 10 होता वर्तमान बा 10 तारीख रु 11 तारीख रु 8 ही आरंभ हो लोक मान सचेतन रहाँ कहुच्छे कारण आप जानते कमलाकांत भुवनेश्वर में वर्तमान किसी अंचल को जमी पूरा बीएमसी घोषणा करे कंटेनमेंट जोन जदि घोषणा कराइला कि जगह अधिक पजिट चिन्हट होती से जगह को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषणा कर इमरान अच्छा कटक जोड़े पार्वण कथा उठी कोरोना कथा भी निहाती भाव आसुच्छे इमरान वर्तमान जब देखा पार्वण ऋतु चलती सीएमसी नुआ गाइडलाइन जारी कर लोक मैंने किभली मानुछंते रिएक्शन कौन रोच देखो कमलाकांत जेहतु बर्तमान पार्वण ऋतु गोटे पटे अन्य पटे शीत ऋतु ये दुईट जाक को बर्तमान नजर रखी कोरोना कटकणा को अधिक कटकणा बर्तमान अधिक आहरी व्यापक कहीं जानते जेहतु आप किसी दिन पूर्व भुवनेश्वर महानगर निगम बाहर व्रतघर शुद्धिक्रिय 50 जन लोक अनुमति दिया केवल अक्टोबर मसपाई जहां को दृष्टि रखिकी कटक महानगर निगम पक्षर कटक जारी कर पूर्व 205 लोक अनुमति मिलता बर्तमान 200 लोक अनुमति मिली विवाहर व्रतघर शुद्धिक्रिय बर्तमान सुधा 200 लोक केवल सामिल हो पारे सहित
जो सांस्कृतिक कल्याण मंडप रही ऑडिटोरियम रही जो संपूर्ण 100% लोक बस अनुमति मिलता पूर्व कितना बर्तमान ता 50% लोक को लेकिन लोक बस पारे अनुमति मिली अनेपटे जब आप कोरोना संक्रमण क्या देखिए बर्तमान जो लगातार दुई दिन हो ठार आक्रमण संख्या बढ़ी अर्थात जो प्रतिदिन कोरोना संक्रमित संख्या 500 रु 600 भितर रोच देखिए जदि आप पूजा को लेकिन जो कटक रही है कहीं जी कटक स्तर विभिन्न पूजा मंडप रही पूजा मंडप सम्मुख में पुलिस व्यवस्था व सुरक्षा व्यवस्था को अधिक कड़ाकड़ी से बर्तमान गोटी परे गोटी बैठक चलती कटक स्तर विभिन्न जो सहरांचल थाना रही थाना बारी वर्तमान बैठक होती पूजा प्रस्तुति बैठक कर विभिन्न पूजा कमिटी शांति कमिटी सदस्य सामिल होती निजे डीसीपी अध्यक्षता करके बैठक करेतु कटक स्तर विभिन्न पूजा मंडप किए सुना मेड़ किए चांदी मेड़ एवं भी सुना मेड़ चांदी मेड़ संरक्षित होती मंडप तो से पुलिस व्यवस्था को कड़ाकड़ी जेहेतु साधारण दर्शन बंद करवल 7 जणिया लोक को लेकिन मंदिर केवल रीतिनीति पर्दा भितर पूजा हम माँ पूजा पाइबे से पुलिस व्यवस्था को मध्ये विभिन्न पूजा मंडप पर कड़ाकड़ी करा जाबो इमरान प्रशासन तो अनेक गुडी पदक्षेप नै छी किंतु आशा करू छु लोक माने सचेतन रहंतु सुरक्षित रहंतु कारण पार्वण रे निज को मौज मजलिस करबा को बा निजर खुशी पई आमे स्वास्थ्य प्रति केबे भी हानिकारक होई परबा बा नाही बा स्वास्थ्य को नेग्लेक्ट करि परबा नाही ए कथा मध्ये लोक माने बुझंतु बहुत बहुत धन्यवाद इमरान आपनकर तमाम सूचना पई तबे कमलाकांत सते सकाल रे हमर जेमती सेगमेंट वाइज थाए आमे वर्तमान बा फर्स्ट सेगमेंट रे आलोचना करी छी जे किछि गुरुत्वपूर्ण खबर को नै सेमती परवर्ती समय रे रहबा जे परवर्ती सेगमेंट को जिबा किंतु ता पूर्व रे जिबा गोटे छोटो ब्रेक भारत प्रति आभिमुख्य बदलाइला यूके 2 डोज कोविशील्ड नहीं भारतीयों क्वारंटाइन बना अक्टोबर 11 कार्यकारी हेबो नुआ नियम ब्रिटिश हाई कमिशनर आलेक्स एलिस को सूचना उत्तर आंडमान सगर में दाना बांधुची आउ एक घूर्णिबलय 24 घंटे सक्रिय हो 10 रे नहीं पारे लघुचाप रूप प्रभाव में 12 राज्य विभिन्न स्थान में बर्षिब आज 10 जिला येलो वार्निंग रोजरे ड्रग्स पार्टी मामला 14 दिन विचार विभाग हाजत को गले आर्यन खान को समेत 8 अभियुक्त एनसीबी रिमांड वृद्धि आवेदन को मुंबई एस्प्लेनेड कोर्ट कले खारज आज आर्यन को बेल नहीं सुनानी सफल हला दीर्घ वर्षर गवेषणा विश्व को मिलला हु द्वारा अनुमोदित प्रथम मलेरिया टीका छोट शिशु देह में व्यवहार हेब मस्क्यू रिस्क टीका मशा कमड़ा रोग मलेरिया नियंत्रण को आसिबो बोली आशा महामारी रे महालूट मिलीमिशी गिली गले सरकारी अर्थ घटनार कार्य घटनार कारपटदार सरपंच समेत सरकारी अधिकारी तदंत पर कार्यानुष्ठान न होबे नै उठिला प्रश्न विवाद रे विभागीय अधिकारी विपद रे राज्यर सर्व पुरातन संग्रहालय रक्षणाबेक्षण अभावर माटी रे मिसिबाकु बसिलाणी पुरातन कीर्तिराजी दुर्लभ कलाकृतिर संरक्षण निमन्ते राजवंशर प्रयास आरंभ संग्रहालयर पुनरुद्धार नै उठिला दाबी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड रे नुआपड़ा मंदिर पड़ार कुनी छियो ख्रिस्टी स्वरामाझी मुहरे मुखस्थ नाना प्रकार संस्कृत श्लोक सहित अनेक प्रश्नर निर्भुल उत्तर 3 वर्षर छोट झीर एभली सफलतार पर खेलुची खुशी लहरी शेषे अरुणाचल प्रदेश में पुणी भारत चीन सेना मुहांमुही पेट्रोलिंग बेले उभय सेनार आमना सामना एलएसी को माड़ आसुवा चीन सेना को रोकिले सुरक्षाकर्मी कौन क्षयति हो सूचना तबे सते सकाले आगु काम सहित अतिथि जोड़े हे तेज आपको टी अपेक्षा करा पड़ो कारण समय गोटे छोट ब्रेक We'll be right back.
ଭିତରେ ସତେଜ ସକାଳକୁ ସ୍ୱାଗତ। ସତେଜ ସକାଳରେ ଦୁଇଟି ସେଗମେଣ୍ଟ କଥା ସବୁବେଳେ କହିଥାଉ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଗମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଥାଏ ସେଇଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାରଣ ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ସେଥିରେ ଖୁବ୍ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସକାଳ ଆଉ ଟିକେ ସତେଜ ହୁଏ। କାରଣ ସେକେଣ୍ଡ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଜଣେ ଜଣେ ଅତିଥି ଥାନ୍ତି ଯିଏ ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସକାଳକୁ ଆହୁରି ସତେଜ କରନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଜଣେ ଆମ ସହିତ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଖୁବ୍ ପରିଚିତ ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅତିଥି ଯୁବକବି ଡକ୍ଟର ଶୁଭ କୁମାର ଦାସ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସତେଜ ସକାଳକୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସତେଜ ସକାଳର ଅତିଥି ହୋଇ କେମିତି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସକାଳ, ସତେଜ ସକାଳ ଏ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା। କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଥାଉ, ଯଦି ତାକୁ ଆମେ କନଭର୍ଟ କରିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ସତେଜ ସକାଳ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେ ଓଡ଼ିଆର କଥାଟାକୁ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ଯେ ସକାଳଟାକୁ ଆହୁରି ସତେଜ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାର୍, ଏଥିପାଇଁ ତ ଆପଣ ଆଜି ଖୁବ୍ ପରିଚୟ ପାଇଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ପରିଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟିରୁ ଯେଉଁଟା ବାହାରେ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ସତ ଆଉ ରିଆଲିଟି ଉପରେ ହିଁ ଆପଣ କୁହନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କବିତା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର, କାରଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି ଯେଉଁ କବିତାକୁ ନେଇ, ଯେ ବାସ୍ତବିକ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ସବୁବେଳେ କବିତା କୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କି କହେ କି ଆମେ ଏଇ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି 2021 ମସିହାରେ, ଯେ ଆମେ ଯେଉଁଠି 500 ଟଙ୍କା ବି ମଧ୍ୟ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛେ ଆମେ ଭାବୁଛେ ସେଥିରୁ କ'ଣ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ଯେତେବେଳେ 90 ମସିହାର କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ସେ ସମୟରେ ହିରୋ ବୋଲୁଥିଲା ହିରୋଇନ୍ ପାଇଁକି ଗୀତ, ଯେ ମେ ତୁମାରେ ଲିଏ ଚାନ୍ଦ ତାରେ ଲେ ଆଉଙ୍ଗା, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁକି ଆକାଶ ନେଇ ଆସି ପୃଥିବୀ ନେଇ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି କେତେ ଭରିର ହାର ଦେଇପାରିବ କୁହ ମୋତେ, ଆଉ ସୁନା ରୂପା ମୋତେ, ଆଉ ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ତାରା ଆଉ ଜହ୍ନ ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଲୋକମାନେ ଯେହେତୁ ରିଆଲିଟି ହେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ରିଆଲିଟି ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଆଜିର ସମାଜରେ ଆମେ 80 ମସିହାରେ ଗରିବ ଥିଲେ, ମୁଁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି ଆମେ ଗରିବରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିକାରୀ ଆଡ଼କୁ ହେଇଆସୁଛେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ମୋତେ ନୁହଁ, ଅନେକ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। କାରଣ ମୁଁ ଦେଖିବି, ଯଦି ଆନାଲିସିସ୍ ଆମେ କରିବା, ଯେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ ଯୁବକ ହେବ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ଯେ ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ କେମିତି ନିଶା ଖାଇବି, କେମିତି ଗେମ୍ ଖେଳିବି, କେମିତି ମୋ ହାତକୁ ମୋବାଇଲ ଆସିବ, ମୁଁ କେମିତି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବି। ଗୋଟେ ଯୁବକ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ମୁଁ ଯେଉଁ କବିତାଟି ଲେଖିଥିଲି ଯେ ଯାହାକୁ କହେ ମୁଁ ଇତର ପ୍ରାଣୀ ସେ ନିଜ ପରିବାର ପୋଷୁଛି। ଇତର ପ୍ରାଣୀ କହିଲେ ଚନ୍ଦା, ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ମୂଷା, ବାଘ, ବେଙ୍ଗ, ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ। ଯାହାକୁ କହେ ମୁଁ ଇତର ପ୍ରାଣୀ ସେ ନିଜ ପରିବାର ପୋଷୁଛି, ଚନ୍ଦାରୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ମୂଷାଠୁ ମଇଁଷି, ନିଜେ ଖଟି ନିଜେ ଖାଉଛି, ହେଲେ ମୋ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମାଗଣା ସେବାକୁ ଚାହିଁଛି, ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବଟିଏ କହୁଛି। ଗୋଟେ ଯୁବକ ମାସ ଶେଷରେ ଯାଇକି ଯଦି ଠିଆ ନ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ଆଗରେ, ସେ ନିଜ ପରିବାର ପୋଷିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇପାରୁନି। ଏବଂ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ଯାହାକୁ 60 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଉଛି, ସିଏ ଯଦି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ନ ପାଇକି ତା'ର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି, ସେ ଭାବୁଛି ଏ ଜନ୍ମଟା ମୋର ନିରର୍ଥକ ହୋଇଗଲା, ମୁଁ ସାର୍ଥକ ହୋଇପାରିଲିନି କାରଣ ମୁଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇପାରିଲିନି। କିନ୍ତୁ ହେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଫର୍ମରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଉପର ଧାଡ଼ିଟି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବୃଦ୍ଧ, ବିକଳାଙ୍ଗ ଏବଂ ଅସହାୟ ଭତ୍ତା। ତା ଅର୍ଥ ଆପଣ କେବଳ ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ଯେ ଭତ୍ତା ପାଇବେ ତାହା ନୁହଁ, ଆପଣ ବୃଦ୍ଧ ସହିତ ଅସହାୟ ହୋଇଥିବେ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର କେହି ନଥିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇଥିବେ। ଏ କ୍ରାଇଟେରିଆଟା ଫୁଲଫିଲ୍ କଲେ ହିଁ ଆପଣ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇବେ। ତେଣୁକରି ହେ ସମାଜ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଆମେ 80 ମସିହାରେ ଗରିବ ଥିଲେ, ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିକାରୀ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛେ, ମୁଁ ପୁଣି ସେ ପୁରୁଣା ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ଚାହିଁବି, ମୁଁ ଏ ଆଧୁନିକତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ କମଳାକାନ୍ତ, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏମିତି ଖବର ପ୍ରସାରିତ କରୁ ଯେ ଦେଖାଉ ଯେ ସବୁବେଳେ ସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରୁ, କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଯେ ନିଜତ୍ୱ ବା ନିଜର ଗୋଟେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଦରକାର ଯେ ନା ମୁଁ ସବୁ କରିପାରିବି, ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ସହିତ ସେମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ସାର୍, ଆମେ ତ ଆଗକୁ ବହୁତ କଥା ହେବା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଯେ ତଥାପି ମୋ ଗାଁ ହସୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଁଟି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଏ ନାଁ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ବି ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି ଗାଁ ସହିତ, ଖାସ କରି ଏଇଟା ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଛି କେବଳ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ମାନେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଯଦି ଗାଁ ନାଁ ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ବି ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି, ଆପଣ ନିହାତି ଆକୁ ଏଇଟା ଶୁଣି ଖୁସି ହେଉଥିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏବଂ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କର, ମୋ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିକଟରେ ବହିଟିକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରେଇଲି, ତଥାପି ମୋ ଗାଁ ହସୁଛି, ମୁଁ ଥରେ ସହରରେ କରେଇଥିଲି ଏବଂ ତାକୁ ଗାଁରେ ବି ଆଉ ଥରେ ଉନ୍ମୋଚନ କରେଇଲି, କାରଣ ଗାଁର କଥା।
କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ବହି ଯାହାକୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ 2000 ବୁକିଂ ପାଇସାରିଲିଣି ସାର୍, ବହି ଖଣ୍ଡେ ଆମକୁ ଦରକାର, କାରଣ ଆଜିକା ସମୟରେ ଫେସବୁକ୍ ଯୁଗରେ ବୁକ୍କୁ ଲୋକ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେ ବେଦ ଯାହା ଥିଲା, ବେଦ ଯାହା ଅଛି, ବେଦ ଯାହା ଥିବ, ବିଜ୍ଞାନ ଯାହା ନଥିଲା, ବିଜ୍ଞାନ ଯାହା ଆସିଛି, ବିଜ୍ଞାନ ଯାହା ନଥିବ। ତ ଫେସବୁକ୍ ଯାହା ନଥିଲା, ଫେସବୁକ୍ ଆସିଛି, ଫେସବୁକ୍ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ବହି ଥିଲା, ବହି ଥିବ, ବହି ରହିଥିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ବହିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ନିଜ ଗ୍ରାମରେ କିଛି ନା କିଛି କରନ୍ତୁ, କିଛି ନହେଲେ ଖଣ୍ଡେ ଲାଇବ୍ରେରୀ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଟଣା ଯାଇଥିଲା କେବେ? ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ କିଏ ଟାଣିଥିଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଟାଣିଥିଲେ ସୀତା ମାଆଙ୍କର ରକ୍ଷା ପାଇଁକି। ସୀତା ମାଆ ରହିପାରିଲେ କି? ରାବଣ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲ। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖାର ଇନୋଭେସନ୍ ସେବେ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଏବେ ତ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁକରି କିଛି ନା କିଛି ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ନ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଯୁଗରେ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ସାର୍ ସେଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କବିତାଟି ବା ତଥାପି ମୋ ଗାଁ ହସୁଛି ଯେଉଁ ବହିଟି ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଇଛି, ସେ କବିତାର ଦ୍ୱିପଦ ଶୁଣିବା। ସେ କବିତାଟି ମୁଁ ଯେଉଁଠିକି ଯାଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ, ସାୟତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଥାଏ। ତ ସେଇଟା ଏମିତି ଥିଲା କି ସ୍ନେହଟା ସଂଜ୍ଞାହୀନ, ଚିର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛି, ବିବେକର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛେଦ, ଅବିବେକୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ଚୋର ଏବେ କଲର୍ଟେ କି ଛକରେ ବୁଲୁଛି, ଆଉ ମଦର ନଈରେ ଏଠି କୁକୁଡ଼ା ଭାସୁଛି, ତଥାପି ମୋ ଗାଁ ହସୁଛି, ତଥାପି ମୋ ଗାଁ ହସୁଛି, ଆଉ ମେଲୋଡ଼ି ଲହଡ଼ି ମୋ ଗାଁରେ ଏବେ ଜୁଆର ଭଳିଆ ମାଡ଼ିଛି, ଖୋଳ କୀର୍ତ୍ତନ ଖଞ୍ଜଣି ଭଜନ ଆଖଡ଼ାରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ଘଣ୍ଟ ମାଦଳଟା ଆଉ ଶୁଭିବନି, ବୋପାର ଜମାନା ସରିଛି, ଆଉ ପୁଅର ଜମାନା ଧରାଧରି ଗୀତ ଛକମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି, ତଥାପି ମୋ ଗାଁ ହସୁଛି, ତଥାପି ମୋ ଗାଁ ହସୁଛି, ବୋହୁରାଣୀ କୁକୁର ପୋଷିଛି, ସକାଳେ ଦୁଧ ଭାତ ରାତିରେ ମାଉଁସ ଦେଉଛି। ବୋହୁରାଣୀ କୁକୁର ପୋଷିଛି, ସକାଳେ ଦୁଧ ଭାତ ରାତିରେ ମାଉଁସ ଦେଉଛି, ଆଉ ବାପା ମାଆ ରୁଟି ମାଗିଲେ ପୁଅ କହୁଛି ଅଟା ରେଟ୍ 30 ଛୁଇଁଛି। ଖୁସିର କଥା, ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଛି, କାହିଁକି ନା ଏବେ ବାପା ମାଆ ଅନାଥ ହେବାର ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆଇଛି, ତଥାପି ମୋ ଗାଁ ହସୁଛି, ତଥାପି ମୋ ଗାଁ ହସୁଛି। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ରିଆଲିଟିକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁର ସ୍ଥିତିକୁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେୟା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପଢ଼ିକି ହୁଏତ କିଛିଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁ ସେ କଥା ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବେ। ତେବେ ଚିନ୍ମ, ଆମେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କି ଯାହା ରିଆଲିଟିକୁ ନେଇକି ସେ ଯାହା ଦେଖନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ସେ କବିତା ଲେଖନ୍ତି ବା ଲେଖନ୍ତି, ତ ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ଆମେ ରାଜଧାନୀରେ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଟିକେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ସେଇଟା ସେୟାର କରିବେ। ନାଇଁ, ଦର୍ଶକମାନେ ସେଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର, ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଉଠିବା ଦରକାର। ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଚାହିଁବିନି ଯେ ମୋ ଧର୍ମକୁ ଦଳି ଦିଆଯାଉ ପାଦରେ, କିମ୍ବା ମୋ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ଦେବଦେବତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଛେପ ପକାଯାଉ କି ପରିଶ୍ରା କରାଯାଉ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତିର କଥା ଆପଣଙ୍କ ସହ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହିଁବି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଆଇଡି ମାର୍କେଟରେ ଥାଏ, ରାତି 9 ପାଖାପାଖି ହେବ, ତ ମୁଁ ସେ କାନ୍ଥ ସାଇଡ଼୍ରେ ପରିଶ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ମାର୍କେଟରେ 4 ଘଣ୍ଟା ବୁଲିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଟ୍ରୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାର ଜାଗାକୁ ଯିବେ, ମଣିଷଟା ତ ପରିଶ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅନ୍ଧାର ଜାଗାକୁ ହିଁ ଯିବ, ତ ଆପଣ ଭିଜନଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବନି। ତ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିଲି ଯେ ସେଠି ମୋ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଲାଗିଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ହନୁମାନଙ୍କର, ରାମଙ୍କର ଫଟୋ ଲାଗିଛି, ଭିଜିବୁଲ୍ କ୍ଲିଅର୍ ବି ହେଉନଥାଏ। ତ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ଫେରିକି ଆସିଲା ପରେ ମୋ ଗାଡ଼ି ଯାଏଁ ଆସିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବିଲି, ଆଉ ସେଇଟା ଭାବୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାର୍କେଟରେ ତ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ବୁଲୁନାହାନ୍ତି, ମାର୍କେଟରେ ମୁସଲମାନ ଲୋକ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁ କାନ୍ଥରେ ଫଟୋ ଲଗାଯାଇଛି ଆମ ଦେବତାମାନଙ୍କର, ବା ଯେଉଁଠି ଛେପ ପକାଯିବା, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଅଫିସ୍ମାନଙ୍କର ଦେବତାମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗାଯାଇଥାଏ, ତ ଯଦି ଲଗାଇବାର ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଲଗାନ୍ତୁ, ଯଦି ଲଗାଇବାର ନାହିଁ କାହାର ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁକି ରାମ କୃଷ୍ଣ ଏମାନେ ସେତେ କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସେ ଛେପ ପକାଇଲା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକଟିଏ ଭାବିବି ଯେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲାଗିଛି। ତେଣୁକରି ମାର୍କେଟରେ ତ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ବୁଲୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଲଗାଇବାର ଅଛି ଆଲାଙ୍କର ବି ଫଟୋ ଲଗାଯାଉ, ଯୀଶୁଙ୍କର ବି ଫଟୋ ଲଗାଯାଉ, ରାମଙ୍କର ବି ଫଟୋ ଲଗାଯାଉ, ଯଦି ନ ଲଗାଇବାର ଅଛି କାହାର ଆପଣ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି କେବଳ ମୋ ଦେବାଦେବୀ ଠିକା ନେଇନାହାନ୍ତି କିଏ କେଉଁଠି ପାନ ଛେପ ପକାଇବ, କିଏ କେଉଁଠି ପରିଶ୍ରା କରିବ ଜଗିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଏଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଉଠାନ୍ତୁ, କାହିଁକି ମୋ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ପାନ ଛେପ ପକାଯିବ ଏବଂ ପରିଶ୍ରା କରାଯିବ। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କି କେବେ ଅଟକିଛି ଏ କଥା? ଅଟକିଛି କି? 10% ଲୋକ ମାନିଲେ, 5% ଲୋକ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ନହେଲେ ସବୁ ଧର୍ମର ଦେବତାମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗାଯାଉ।
निश्चित भाव खूब सुंदर चिंताधारा आपण चिंताधारा जदिओ आम दर्शक मैंने आज शुणुते निश्चित भाव में खूब तारीफ करुवे और आशा करूँ ग्रहण करूँ और आपण चिंताधारा को लेकर अनेक लोक प्रेरणा पातु तेज सर जानवापी चाहबू आम तो कथ होते आप कविता लिखुंट अनेक समय आम देखीचे आपड़ गुड़ाए कविता कहुं फास्टफुड जो कथा कह जाए आम कारण समस्ते जाने फास्टफुड दोकान मैंने चाइनिज आइटम को लेकिन आम सब कहूँ फास्टफुड दोकान सब चाइनिज आइटम उपरे ही कहा जाए किंतु आपण चूड़ा को फास्टफुड रो ना देथिले एवं चूड़ा को जेमती फास्टफुड रो आख्या देले वास्तविक भाव में ये चिंताधारा ये चिंता आपण को मन में केमती आसला नै देखंतु हुए तो सेटा भगवान नामक से आशीर्वाद करिसंती बा कारण आम गोटे जिनस को देखले अलग नजर से देखु आपड़ जो जिनसटा को देखु थे डाक्टर का आखि पड़गले से कहीदे ना ये रोगटा या नुह ए रोगटा आउ गोटे कौन तेणुक भगवान से बुद्धिटा आम पाखे आम से बड़ हो फास्टफुड कहले ही मो जातिर फास्टफुड आपड़ मैगी कह दुई मिनिट चूड़ा कह सेकेंड तेणु जी फास्ट हो पार्ला तो ही आम फास्टफुड कह हुए तो बहुत लोग आज इच्छुक देखो मंडा पिठा ग्रहण है ना मोमो ग्रहण होगा कहीं आम से नहीं लोक से थोपारे ना से मंडा पिठार कनभरसेसन तो मोमो ना तेणुकर ये जातिर आम फास्टफुड मुझी जदि सबू जिले में मो जातिर फास्टफुड को खोल जाता देखते लोक मैंने भिड़ करते लोक मैंने खावा आग्रह करते जो दिखता है वो बिकता है आपण सफल बर्तमान सबू दोकने टंगा होती लोक भावुच्चे मुझे जल्दी सफल होजी सफल खाई कि तू विफल ही हो देखु सबू गुटकार ना गुड़ा कौ भाई बा तुसी गुटकार ना दिजाव जहाँ को आम रात पाइले पूजा करुचु आउ कौन ना कि ना सफल दिजाव तिरंगा दिजाव मो जाति मो देश जहाँ आगे नतमस्तक जो तिरंगा आगे गुटका ना उपरे तिरंगा लिखा आलाउ किए कर तुम आउ कौन ना दे पार जदि मु भूल आपण मते रेक्टिफाई करंतु किंतु कष्ट लागे निश्चित भाव रे तबे कमलाकांत सारक सहित सतरे तांकर जो चिंताधारा रही छे खास करी जदि मु कहबे जे ए सब लेखिया पई सेति की भाबीवा दरकार कारण ए जो आसुचि जहा कलम रे आपण कर जहा आसुचि आपण जें कहउछंती जहा आमे देखुछ आपण होत टिके अलगा देखुछंती तो आपण जतल घरे थांते तल किछि कर न थांती सेतल कोन आपन माइंड चल थाए जे आपन जहा देखि के आस्थांती ताकू ना जेतेले लेखंती गोटे स्पेशल मोमेंट थाए बसंती ना एबे मु लेखिबे सेते किछि दुई प्रकार जिंस थाए आपन गोटे लघुचाप जनित वर्षा आ गोटे नॉर्मल ऋतु जनित वर्षा तेणुकर लघुचाप वर्षा केमिति हुए ना जेतेले आमे फिल्म पई गीत लेखुचु कि आलबम पई गीत लेखुचु अर्डर थाए जे एतिक तारीख दिन दरकार तो आमको लघुचाप द्वारा वर्षा करैबा पई पड़े किंतु कविता लेखिबापई आपण सेमती कले से लेवल रो जिनस बाहरी बने आउ सबुठार कष्ट कथा गोटे ब्याट्समैन जेतेले फास्ट बॉलटा छक्का हे जाय ना ताको आहुरी परिश्रम करिया पड़े आइदर से तापर बॉल छक्का मारिबो नले चारि मारिबो विकेट पळैले लोक माने कहिबे नै गोटे अचानक छक्का हे जायतिला तो मोर तथापि मो गां हसुचि मोर फास्ट कविता तो सेटा जेतले छक्का हो गला मते से लेवल को मेंटेन करके रखा पड़ला आज जो परिवर्तन कथा कहूँ मुझे जो कविता लिखी थी लोक मैंने बहुत ग्रहण करते जन्म दे आज अनाथ हो क्षीर पेई जी एवं पा पाए ना सीए ये किछि दिन तले बंगलारु फोन आसीथिला जे ताकु अनुवाद करिबा चाहूछंती पांचटी कविता मोर आउ हिंदी भाषार भी दुई जन कल करथिले वर्तमान लोक माने अनुवाद करिबा चाहूछंती तो मते खुशी लागुछि जे मो जातिर कथा को अन्य माने ग्रहण करूछंती कारण इंडस्ट्री रे समस्त कहउछंती जेतेबेले कॉपी रो जमाना चालीछि जाहुठी आपण देखि देबे कॉपी चालीछि तो आपण ओरिजिनल जिनस जदि बाहर करिबे जेतेबेले फिल्म इंडस्ट्री आमे किछि लोक बसीथिलु सेठी कथा पडिला जे आमुकु भलो जिनस करिवार अछि किंतु मु ता संगे गोटे जिनस जोड़ी थी जे भल सहित आमको ओरिजिनल भी करार अच्छे तो कौट कॉपी कर आणिक भल तरक थोदे तार किसी मीनिंग ना तो आमको ही बनई शिखा पड़ो खाली यूट्यूब देखे रोसे शिखले हम ना निश्चित भाव में निजी एक्सपेरिमेंट कराया पड़ो एवं कौटा भल आउटपुट आसुचे सर आपणकर गोटे सुंदर गीत थिला जे जेहेतु मुझे जगत सिंहपुर टिके विकनेस अच्छी से गीत प्रति जे जगत सिंहपुर सब जिला भितर एक नंबर ये गीतटी आप मुहर शुणापी चाहिए हाँ सेटा जेहेतु मु से जिले में जन्म होती मोर उद्देश्य अच्छी मो बहीटी लोक मैंने एत मात्र चाहूंट मु सब जिले में गोटे गोटे स्टल खोलने चाहूँगी तथापि मो गाँ हसुचीर जमी बहीटी लोकों पाखे पहुँची पार और 50% अर्थ मुझ रखी जमी मो गाँव में गोटे पार्क मुझे गोटे लाइब्रेरी करी आर 50% रखी सबू गाँव में यहीपर भाव में कमी कंट्रब्यूसन करी जो लोक मैंने आवश्यकता
କରିବେ ମୁଁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବି ଏବଂ ଯାହା ହେଇପାରିବ ଗାଁ ପାଇଁ କରିବି। ସେମିତି ମୁଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ଗୀତ ଲେଖିବା ପାଇଁ କିରି ଇଚ୍ଛା ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ସଂସ୍କୃତି ତା'ର ସବୁ ଜିନିଷ ନ ଜାଣିକି ଆପଣ ଲେଖିଦେଲେ ଗୀତଟା ଶସ୍ତା ହେଇଯିବ। ସେମିତି ମୋ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ମୁଁ ମୋ ଜିଲ୍ଲାର ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତା ପରମ୍ପରା ସବୁ ଜାଣିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିଥିଲି। କ'ଣ ଗୀତଟି ମୁଁ ନିଜେ କମ୍ପୋଜ୍ କରିଥିଲି, ନିଜେ ଲେଖିଥିଲି ଏବଂ ନିଜେ ବୋଲିଥିଲି ଯେ ସ୍ୱାଭିମାନତାର ଏ ଅଭିମାନତାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ସେ ଏକ ନମ୍ବର ତା କଳା ସଂସ୍କୃତି ତା ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ସଭିଏ କରିବା ସତାକୁ ଜୁହାର ଜଗତ ସିଂହପୁର ଜଗତ ସିଂହପୁର ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ସେ ଏକ ନମ୍ବର ଜଗତ ସିଂହପୁର ଜଗତ ସିଂହପୁର ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ସେ ଏକ ନମ୍ବର। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ସେ ଗୀତଟି। ହୁଏତ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଭାବୁଥିବେ, ଆମ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଏକ ନମ୍ବର, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସାର୍ କହିଲେ ଯେହେତୁ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ବା ଇଏ ଗୋଟେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସବୁକୁ ସେ ମାନେ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ବା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଦିଅ ନୁହନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଦିଅ ଜଗତସିଂହପୁର, ମୁଁ ବି ଜଗତସିଂହପୁର ଜଏନ୍, ତେଣୁ ମୁଁ ବି ଅତି ଖୁସି ହେବି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆପଣଙ୍କ ଲେଖନୀ ଶୈଳୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ଆପଣ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ବି ଶୁଣିବ ତାର ମାନସିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଲୋକଟି ନିଜକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କବିତା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି କିମ୍ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ କ'ଣ ସବୁ କରାଗଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ କବିତା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା ଯେଉଁ ଉଠିଲା ଏଠି, ଯେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତାହା କେବଳ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ସଂସ୍କାର ଯାହା ପରିବାରକୁ ସଜାଡ଼ି ଥାଏ ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ଯାହା ସମାଜକୁ ସଜାଡ଼ି ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସମାଜ ବାଟବଣା ହୁଏ, ସମାଜ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ଠିଆ ହୁଏ ତାକୁ ଠିକ୍ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ଯେମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସର ରିଆଲିଟି ଶୋ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଗୀତର ରିଆଲିଟି ଶୋ କରାଯାଉଛି, ସେମିତି କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ରିଆଲିଟି ଶୋ କରାଯାଉ, ତାକୁ ଭବାଯାଉ, ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ପ୍ୟୁରିଫାଇ ହୋଇପାରିବ? କାରଣ ଆପଣ କେବଳ ଯେମିତି ବାଥରୁମ୍ ସିଙ୍ଗର ଥାଆନ୍ତି, ବାଥରୁମ୍ କବିତା ଲେଖିଲେ କେବଳ ଆପଣ ଘର ଲୋକ ଖୁସି ହୋଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଖୁସି ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜନମାନସ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ କଥା ହୋଇଥିଲା ମୋତେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବିନି, ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା କ'ଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ଏବଂ ଏଇଟା କ'ଣ ଲୋକ ଆ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ମ୍ୟାଗି ଆଉ ଚାଉମିନ୍ କ'ଣ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଢମଣା ସାପକୁ ମାରିବା ପାଇଁକି ହେଲେ ପାଞ୍ଚ ପାହାର ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ଗୋଟିଏ ପାହାରରେ ସେ ମରୁନାହିଁ। ତ ଗୋଟେ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି କେମିତି ଆମେ ଭାବିବା ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଗୋଟେ କବିତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ? ହେବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ପାହାର ଉପରେ ପାହାର ବାଜିଲେ ପ୍ରକୃତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ତା ସାହିତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇପାରିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ମମି ଏବଂ ମାମା କବିତା ଲେଖିଥିଲି, ସେଥିରେ ଲେଖିଥିଲି କ'ଣ ନା, ନୂଆ କବିତେ ମୁଁ କେମିତି ଲେଖିବି ପଣତ ଉପରେ କବିତା, ଜନ୍ମରୁ ଦେଖୁଛି ମମି ତୋ ଥାକରେ ଡ୍ରେସ୍ ହେଇଛି ସାଇତା, ଆଉ ମାମାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିବି କେମିତି, ମେକଅପରେ ଲୁଚେ ମୁହଁଟା, ସିନ୍ଦୁର ସରୁଛି ବର୍ଷକୁ ଟିକିଏ, କ୍ରିମ୍ ଯାଉଛି ଦଶଟା। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ କଥାଟିକି ଆପଣ ଲୋକମାନେ ଆକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ମୋ ଜାତିର ମୌଳିକତା ଧ୍ୱଂସ ନ ହେଇଯାଉ। ମା ଏବଂ ବୋଉ ହେଉଛି ମୋ ଜାତିର ମୌଳିକତା, ଯଦି ଆପଣ ବେସ୍ଟା ଠିକ୍ ନ ରହିବ, ଏ କାନ୍ଥ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆପଣ ଯେତେ ସବୁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ କହିଲେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଏବଂ ନିଜ ସତରେ ଅନ୍ୟକୁ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଆସେ, ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ, ଅଧିକ ଆନେକି ଗୋଟେ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ବାସ୍ତବିକ ଆପଣ ସେମିତି କିଛି କରନ୍ତି ନା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଇଏ ସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସେ? କିଛି ମାନେ ଦେଖନ୍ତି ତ ହଠାତ୍ ମନକୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସେ ଯେ ନା ଏଇଟା ଯଦି ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାନ୍ତା? ନାଇଁ, ଆପଣ ସବୁପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି ପଢ଼ିବା ପାଇଁକି ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯେ କେବଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଏ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଯିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଧ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଅନେକ ବହି ମଧ୍ୟ ପଢ଼େ, ସମୟ ଯେହେତୁ ବହୁତ କମ୍ ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହୁଛୁ, ସମୟ କମ୍ ରହୁଛି, ଗେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରହୁଛି, ତାପରେ ବି ମୁଁ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଗାଡ଼ିରେ ଅନେକ ବହି ପଢ଼େ, କାରଣ ଆପଣ ନ ପଢ଼ିଲେ ସେ ଜିନିଷ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି, ହେଲେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ମମି ପାପାଟାକ ସବୁ ଘରେ ଘରେ ଶୁଭୁଛି, ମୁଁ ଆକୁ ହିଁ ବିରୋଧ କରୁଛି।
एक्जाक्टली बहुत सुंदर लागिला। आशा करूछु आपनको कविता लोकंक उपरे प्रभाव पकाउ, लोक सचेतन होंतु एवं गोटे परिवर्तन खूब बड़ परिवर्तन आसु। कारण जो कथा गुड़िक आपण कहउछन्ती खूब सुंदर, कारण आमे आज गाँ रे रहुने सत किंतु गाँ मध्य खूब सुंदर एवं सहर आ गाँ को जदि कंपेयर करा जाए सहर तार गोटे काणीचाय भी हबनि। कारण गाँर परिवेश सब बेले सुंदर आ गाँर जदि से भली हिसाब रे सहर रे जेमति समस्तक पई वृत्ति रहिछि लोक माने खास करी वृत्ति पई सहर आड़ को आसंती सहर मुआ होंती किंतु जदि गाँ रे मध्य से भली वृत्ति रुहंता एवं या सहित लोक माने खूब सुंदर परिवेश पाइबे फिर तो लोक माने गाँ मध्य छाड़बे नाही। खूब सुंदर लागले आपण आज सत्य सकाल रे अतिथि हेले ना कण कमलाकांत नेहाते केवल आम नुहे दर्शक मैंने तांको कथा को शुणिथे कारण तांको कथा रे से जादू अच्छी कविता तो निहाती अच्छी तांको कथा भी से आज समय को लेकिन जहाँ घटू ताकु नेकी ही तांकर कविता उ कथा कमलाकांत किंतु अत्यंत सर एतिके दुख रहिला जे खूब कम समय भितरे आमे आपन सहित कम कथा आलु। आशा करिबु जदि पुड़ी केबे सुजोग मळे आपन निहाती बाबरे हमर अतिथि हेबे एवं बहुत समय धरि आपन सहित लंबा आलोचना रहिबो एवं आपनकर जहा रहिछि जे आपन कहतले जेमति परिवर्तनर कथा कहतले समाज को टिके परिवर्तन आडको आसीबा पई पड़िबो लोकक चिंताधारा रे परिवर्तन आसीबो आपनक कविता माध्यम रे हो किबा कोनोसी जदि सरकारी प्रोत्साहन कथा कहतो सरकार जदि आपनक कविता को कोनोसी स्तर रे मध्य जदि लोकंक पाखरे पहुंचाइबे आहुरी हुए तो लोक माने सचेतन हो पारिबे एवं समाज भितर गोटे बड़ परिवर्तन देखिबा को मिलिबो जो परिवर्तन समाज को गोटे सुस्थ भावरे गढ़ी तोलिबो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज सत्य सकाल रो अतिथि हेले। तबे आशा करूछु दर्शक माने मध्ये आज सत्य सकाल को आहुरी सतेज अनुभव करितिबे कारण आज हम सहित थिले युव कवि डॉक्टर शुभ कुमार दास। प्रोफेसन होची डाक्टर किंतु शब्द को शब्द जोड़ी खूब सुंदर कविता लेखुचंती जहाँ वास्तविक लोकों मध्य गोटे परिवर्तन आणुची। तबे समय सुरी आज सतेज सकाल कार्यक्रम को ये रखुचु। नमस्कार।